नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। किर्गिस्तान में चीनी दूतावास के बाहर कार बम धमाका, कई लोगों के मारे जाने की खबर, कई घायल। आज सौराष्ट्र को सौगात देंगे पीएम मोदी, सौराष्ट्र के जलाशयों को नर्मदा के पानी से भरने की योजना का करेंगे शुभारंभ। पीएम बनने के बाद मोदी की गुजरात में पहली जनसभा। 12 साल बाद अमेरिका और भारत के बीच हुआ ऐतिहासिक मिलिट्री करार, जरूरत पड़ने पर दोनों देश कर सकेंगे एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल। दिल्ली NCR में एक घंटे की बारिश के बाद लगा लंबा जाम, अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी का काफिला भी जाम में फंसा। जैन मुनि पर विवादित ट्वीट कर फंसे गायक विशाल डडलानी के खिलाफ बरकरार है जैन समुदाय का गुस्सा, चांदनी चौक पर आज महिलाएं करेंगी प्रदर्शन। बिहार में बाढ़ से 3 और लोगों की मौत, सूबे में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 61 पहुंची, 37.74 लाख आबादी प्रभावित। रजत में बदल सकता है पहलवान योगेश्वर दत्त का कांस्य पदक, 2012 के ओलंपिक में रजत जीतने वाला पहलवान डोप टेस्ट में पाया गया दोषी। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।